देखिए सर से पांव तक खराब है लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए। बिजली गिराने मैं हूँ भाई। दुखी भी यहाँ क्या करने आई है? हम आए हैं इस बगिया में फूल खिले हैं मेरे सूट पे। हम आए हैं इस बगिया में फूल खिले हैं मेरे सूट पे। कॉमेडी नाइट विद कपिल का शूट छोड़ के आ जाए हैं हम इस शूट पे। वाह, ये गद्दे क्यों लेके आई है? गद्दे में यहाँ पे बिछाऊंगी, मतलब यहाँ पे रहूंगी ना, मैं गद्दे पे सोऊंगी और मेरे आजू बाजू सोएंगे प्रीतम और अली। बहुत मजा आएगा। इन्होंने कहा था इनके पापा से परमिशन लेंगी शादी की, मैंने प्रपोज किया था पिछली बार इनको। तेरे को पता है यहाँ पे मुझे ना प्यार से मत देखो आप प्लीज, प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता है। इंटर डायलॉग बोलती हूँ हर बार, क्यों थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता, ये डायलॉग था। नहीं नहीं, जिस घर में सोनाली रहती हो वहाँ सबको थप्पड़ से डर लगता होगा। तेरे को पता है खुद बड़ा बहुत बड़ा एंटरटेनर है अली। अली एंटरटेनर है? हाँ। अच्छा, इस घर का एंटरटेनर है ना, कोई बात नहीं। एक इंटरनेशनल एंटरटेनर तुमको एक चीज बताएगी। इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। ये क्या सुमड़ी में गुमड़ी बताएगी? मेरे साथ आओ, बाथरूम में आ जाओ। अच्छा गौतम, आपको जब भी टीवी पे देखते हैं हमेशा ऐसा लगता है जैसे आप ऑडिशन दे रहे हैं। तो आपको किसी ने अभी तक बताया नहीं कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है? नहीं ऐसे कुछ नहीं है यार, मैं तो हंसी मजाक करता रहता हूँ। अच्छा एक और सवाल था, जनता ही जानना चाहती है कि आम आदमी जब ऐसे बाथरूम में नहाने जाता है तो तकरीबन हम लोग अकेले जाते हैं। हाँ, कई बार प्रॉब्लम होती है, पीठ पे हाथ नहीं जाता, तो ऐसे कंपनी की जरूरत क्यों पड़ती है? पर मैंने उन लोगों को बताया, मैंने अपनी तरफ से सफाई दी आपकी तरफ से, मैंने कहा उनका हाथ नहीं जा रहा होगा, साबुन नहीं लगता किस टाइम ये। पुनीत जी, भाई लाफिंग, आपको डाउट क्या? पुनीत जी आपके दोस्त अगर आपने इनको भी सामने साबुन लगा दीजिए। उपेन, आई लाइक यू सो मच। आई लाइक यू, यू आर स्पीकिंग वेरी गुड हिंदी, जो आपको बोलते हैं लोग नहीं बोलते। धन्यवाद। आई विल नॉट टॉक इन हिंदी बिकॉज वी आर सेम, यू नो, यू एंड आई लव इंग्लिश, सो आई विल टॉक ओनली इन इंग्लिश। मोस्टली आई हैव सीन यू विद गर्ल्स। हाँ। Why are you so pally with girls, man? ऐसे कुछ नहीं, मैं पैल सबके साथ हूँ, मैं गर्ल्स को रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी जो फैमिली है ज़्यादा वुमेन है, ग्रैंड मदर, मदर, आंटी, तो शायद इसलिए। इवन मेरी मम्मी भी लेडीज है। अच्छी बात है, पर ये आपको उतना रिस्पेक्ट करते हैं। रिश्वान, हाल ही में पता चला कि आपका मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ा वीक है। जो मैंने देखा तो मैंने कहा नहीं नहीं, करिश्मा ऐसे कभी हो नहीं सकती, क्योंकि आज तक उसने जितने भी शोज किए हैं पेमेंट तो पूरी ठीक ठाक लेती है। ऐसे हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं हो सकती। आपसे बात करना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स से कुछ नहीं होता, लड़की की फिक्र अच्छी होनी चाहिए। आलिया भट्ट के सामने आर्य भट्ट फेल है। घर में आई हूँ तो कुछ ना कुछ काम करूंगी, बड़े सारे काम करूंगी। मैं तो सोच रही हूँ सबके कपड़े भी धो दूं। बस जो पुनीत जी का अंडरवेयर है वो मैं बाहर नहीं सुखाऊंगी, क्योंकि उससे क्या होगा, लोनावला में छाऊं हो जाएगी। ऐसी परछाई गुत्थी की इंट्रोडक्शन तो करवाओ। गुत्थी गुत्थी वो नहीं है, बहुत बड़े गुत्थी सुझा देते हैं वो। गुत्थी परछाई, परछाई सिद्धू जी कपिल, कपिल गुत्थी, गुत्थी परछाई। दीदी मैं बहुत थक गई। जो भी चीज दिखे ना, चलो इनको फिर गाना सुना दो एक। तुम वो बोला ना, आप आए हैं इस बगिया में, देखो किक नहीं मारनी है, तुम स्कूटर की किक मार रही हो, ये नहीं करना है।
ऐसे ऐसे करके तो हाँ पाए हैं इस हल्का हल्का सॉफ्ट सॉफ्ट हाँ पाए हैं इस बगिया में फूल खिले हैं गुलशन गुलशन जिनके घर हो के डांस करना किसी के ऊपर हमला नहीं करना अभी मेरा नाक की हड्डी टूट जाती है मैं फूल की ला रही हूँ यहाँ पे तो मेरा ऊन बना रहा है अली तोड़ दुश्मन की नली इतने डिस्टेंस से करना होता है ये डांस ओके जिनके घर होते हैं शीशे के जिनके घर होते हैं शीशे के वो लगाया करते पर्दे वो लगाया करते पर्दे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे सलमान खान को हैप्पी बर्थडे सलमान खान को हैप्पी बर्थडे हुड़ हुड़ दबंग दबंग मैंने बेल्ट नहीं पहनी हुई फिर भी मैं हुड़ हुड़ दबंग कैसे कर रही हूँ नाड़े के साथ सिंधु जी तो कुर्ता पजामा पहनते हैं उनको पता है सिंधु तो गिद्दा सिखाने वाले थे ना सबको हमें सिखाने वाले बिग बॉस के घर में जाके सबको गिद्दा सिखाऊंगी ओके गिद्दे में ऐसा है कि मैं गोलियां डालूंगी मैं और परछाई मिलकर सबके लिए बोले डालेंगे वारी वरसी खटन गया सी ओके अब जो मैं वर्ड बोलूंगी जिसके साथ नाम के साथ राइमिंग होगा वो स्वयं खड़ा होकर मेरे साथ गिद्दा करेगा यहाँ बहुत बढ़िया ओके ओके आर यू रेडी फॉर द गिद्दा आप क्या रेडी मैं उंगली इधर आ गई मतलब या आपको थोड़ी बोलना है ओके ओके वारी बरसी खटन गया सी वारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा गन्ना गिद्दा ता सजदा जे नचे गौतम गुलाटी सॉरी मैंने वो गन्ना के साथ गुलाटी दे दी ये कैसे पहन लेती हैं लड़कियां मुझे समझ नहीं आता गिद्दा ता सजदा जे नचे करिश्मा तन्ना गिद्दा ता सजदा जे नचे करिश्मा तन्ना ओ जी कुछ तो बोल रहा है गिद्दा ता सजदा जब नाचे उपेन पटेली गिद्दा ता सजदा ओ लड़दा मरदा रहंदा ये तो घर में देखो साथी ओ लड़दा मरदा रहंदा देखो घर में ये तो साथी लेकिन कितना है ये सेक्सी गिद्दा ता सज से नाचे उपेन पटेल गिद्दा ता सजदा सी खटके ले आंदा गीजर गिद्दा ता सजदा जे नचे पुनीत ईसर सॉरी मैं ईसर से कुछ बेटर मिला नहीं गीजर ही लगाना पड़ा मेरे को ठंड भी बहुत है तो इसलिए गीजर लगा दे गिद्दा ता सजदा जे नचे पुनीत ईसर गिद्दा ताओ भाई बनन वाला पुनीत ईसर अठ दो लान वाला पुनीत ईसर कौन खटके लिया तो सिखा रही हूँ मैं सी मैं बिजी हो राइमिंग करना है भाई तुम अद्धा घंटा लाने शेव कर लू पंद्रह मिनट झग बना भी ला वाड़ी वरसी खटन गया सी डोले वाड़ी वरसी खटन गया सी खटके लिया आंदा डोले बनाने वाला गौतम जल्दी आ होले होले बटके आंदा गौतम आया देखो बॉडी दिखाया देखो गौतम आया देखो बॉडी दिखाया देखो ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਟ ਲਿਆਂਦੀ ਪੈਂਦੀ ਗਲੀ ਓ ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਟ ਲਿਆਂਦੀ ਪੈਂਦੀ ਗਲੀ ਗਿੱਧਾ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਜੇ ਨੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਗਿੱਧਾ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਜੇ ਨੱਚੇ ਸਾਡੀ ਡਿੰਪੀ 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 ਕਰ ਲੈ ਸ਼ੋਰਟ ਸਕਰਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ असर नहीं होता जैसा मुंह है इसका जैसा मुंह है
तो जाना होगा। ऐसे बुलाएंगे? नहीं नहीं, कपिल हैं यहाँ पे, आपसे बातें करेंगे। मेरे को जाना होगा क्योंकि मेरे फिर मम्मी पापा इसके बाद अलाउ नहीं करते रात को। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके परछाई, एक दिन पटेल दे दिया ना आपको, अब पता चलेगा एक दिन तक ये सामान पहन के क्या होता है। घबराने लगी। एक बार हमारे सब कंटेस्टेंट्स के लिए आप सब यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि हमारे घर से हमारे सारे फैमिली मेंबर्स आए आपको मिलने के लिए। बचपन से ही बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूँ। फोर्टीन ईयर की थी ना तो मैंने बिग बॉस सीजन 1 देखा था, तो इसी से ही आप मेरी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। और खुलकर मैं जिस बात के बारे में बताना चाहती हूँ वो है मेरा पुन्नू। हाय हाय पुन्नू, तेरी स्माइल का सलाना। बुआ पुनीत जी का तो साइज देख कितने लंबे चौड़े हैं, उनका पहले ही साइज के हिसाब से नाम पहले मेरे को छोटा लग रहा था और पुन्नू कर दिया तूने। वो तो समझता नहीं है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा जो बॉयफ्रेंड हो ना वो दांत से अखरोट तोड़ दे और खोपड़ी से नारियल फोड़े। देखो मैं जोड़ी कितनी मैच करेगी। नारियल फोड़ दे। ओए हाय, ये 21 मैं 24, क्या बात है। मैं इनको तब से जानती हूँ जब ये भ्राता श्री थे, तब ना इनके सिर पर मुकुट लगा हुआ होता था। ये लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि आप में से कोई भी मुझसे मैच नहीं ना करता, इनको मेरे जैसी लड़कियाँ पसंद है। तो कोई है ही नहीं। ओए हाय, ये लड़की देख लो। भगवान को जान देनी तो कम से कम अपने को लड़की तो मत बोला कर। पता है मैंने कल बुआ का पर्स चेक किया ना, 1852 में जो पहली ट्रेन चली थी ना इंडिया में, उसका टिकट निकला इसके बॉम्बे से था। आप ना पुनीत जी, मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, और ज्यादा टीवी पर एक्सपोज मत किया कीजिए। मैं नहीं चाहती कि आपके थाइज पे कोई आइज रखे।